तो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली वेल। आज का हमारा टॉपिक है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या ड्यूरेशन रहते हैं बीबीए के, एलिजिबिलिटी स्पेशल, हम कौन से इसमें हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं बीबीए में, आज हम उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। और कॉमन सब्जेक्ट जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आता है ड्यूरेशन के बारे में। तो बीबीए ये 3 साल का ये कोर्स रहता है, इसमें 6 सेमेस्टर रहते हैं, हर एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो देखिए, कोई भी साइंस ग्रेजुएट, कॉमर्स ग्रेजुएट या आर्ट्स ग्रेजुएट ये कोर्स कर सकता है। उसके लिए उसको 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा जो एलिजिबिलिटी वो है इंग्लिश, आपका 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। अगर आपकी 12th में इंग्लिश होगी तो आपके एक अच्छे कॉलेज में, आपको एक टॉप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपकी इंग्लिश नहीं होगी तो आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन होना के चांसेस बहुत ही कम है, तो आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन की। तो देखिए, आप बीबीए इन आईबी एंड फॉरेन ट्रेड कर सकते हो, मतलब बीबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फॉरेन ट्रेड। अगर आपको उसके बाद आप बीबीए इन फाइनेंस कर सकते हो, उसके बाद आप बीबीए इन आईटी कर सकते हो, उसके बाद आप बीबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो, उसके अलावा आप बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज कर सकते हो, उसके अलावा आप बीबीए इन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन आप कर सकते हो। अभी हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, देखते हैं इसमें होता होता क्या। तो बीबीए इन आईबी इन फॉरेन ट्रेड, अगर आपको फॉरेन ट्रेड में इंटरेस्ट है, अगर आपको अपना बिजनेस कैसे हम ग्लोबली करते हैं उसको आपको जानने की इच्छा है, तो आप बीबीए इन फॉरेन ट्रेड आप कर सकते हो। देखिए, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपकी बहुत सारे आपके फॉरेन टूर्स भी होंगे इसमें। अगर आपको बाहर आप घूम सकते हो, फॉरेन में आपका काम होगा फॉरेन में, तो आपको अगर फॉरेन ट्रेड में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए इन फॉरेन ट्रेड एंड आईबी आप कर सकते हो। उसके बाद आप बीबीए इन फाइनेंस कर सकते हो। देखिए, अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अगर आपको बैंकर बनना है, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो आप बीबीए इन फाइनेंस कर सकते हो। अगर आप बीबीए करते हो उसके बाद आप एमबीए करोगे तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो आगे जाके आप बढ़ जाएंगी। उसके बाद आप उसके साथ आप ये सीएफए भी आप कर सकते हो, ये भी एक बहुत सारे कंपनी से आपको आएंगी हायर करने, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर में जाना है। अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट हो तो आप बीबीए इन फाइनेंस आप कर सकते हो। उसके बाद आप बीबीए इन आईटी कर सकते हो। तो कि ये जो कोर्स है ये मिक्सअप टाइप का कोर्स है, मतलब आप बीबीए भी करते हो और आईटी भी करते हो, मतलब आप मैनेजमेंट भी करते हो, उसके साथ आप कोडिंग कंप्यूटर से रिलेटेड भी आप चीज़ें पढ़ते हो, तो मतलब आपको दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो आप बीबीए इन आईटी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आप बीबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में जाता है, मतलब आपको लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो आप बीबीए इन मार्केटिंग कर सकते हो। मतलब देखिए, बीबीए इन मार्केटिंग में शायद लोगों की बिल्कुल जगह नहीं है। यू शुड बी बोल्ड, आपका बोल्ड होना ज़रूरी है। और आप अगर आप देखिए, आप जब भी दूसरों से बात करें तो आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ें ध्यान रखिए अगर आपको बीबीए इन मार्केटिंग करना है तो। फिर उसके बाद आप बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब आप रिक्रूटमेंट की आपकी जॉब रहती है, मतलब आप बहुत सारे लोगों के आप इंटरव्यूज लेते हो और उनको आप पर्टिकुलर पोजीशन में आप उनको डालते हो, मतलब आप उनको रिक्रूट करते हो। तो ये बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्सेज आप कर सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट हो। जो ये एचआर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, इसकी वैकेंसी बहुत ही कम है, तो आप इतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप बीबीए इन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन आप कर सकते हो। ये क्या होता है, देखिए बहुत सारे फैक्ट्रीज रहते हैं, मतलब जो अपना प्रोडक्ट्स को अलग अलग कंट्रीज में सेल करते हैं और अपने सामान को बेचते हैं अलग अलग जगहों पे, तो वो सब कैसे होता है, वो कैसे वो कंपनीज अपनी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, तो वो हम इस बीबीए इन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन में हम सीखते हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए इन ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन सब्जेक्ट्स की। तो क्या क्या कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं बीबीए में, तो फर्स्ट रहता है मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ और इंग्लिश। ये सब सब्जेक्ट्स है जो कॉमन है बीबीए में, मतलब आप किसी भी चीज़ में आप स्पेशलाइजेशन करो ये कॉमन सब्जेक्ट्स तो आपके रहने वाले ही है, तो आप इतना ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करते हैं विदाउट मैथ्स वाले बच्चों के बारे में, तो वो करेंगे क्या। देखिए, अगर आपको बीबीए में जाने का इंटरेस्ट है, अगर पर आपके पास मैथ्स नहीं तो आप करोगे क्या। तो देखिए, भले आपके पास अभी मैथ्स ना होते हुए तुम्हें, पर आप जब बीबीए का आप जब कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, आप जब जाओगे तो जो बीबीए से रिलेटेड जो भी आपको मैथ्स देंगी वो आपको कॉलेज में आपको सिखा दी जाएगी, तो आप फिर आप बीबीए आप कर सकते हो। मतलब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप विदाउट मैथ्स वाले हो पर आपको बीबीए में इंटरेस्ट है तो आप बीबीए आप कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो बीबीए के ऊपर।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज का वीडियो मैं बस यहाँ पर ही खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।